इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पा सिविलाइजेशन जिसको अभी हमने पढ़ लिया, उसके बाद जो सिविलाइजेशन जिसकी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वो है वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए ब्रोंज एज या जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, इससे भारत में एक नई संस्कृति, भारत में एक नई सिविलाइजेशन का उदय हो रहा है, पर्यवेक्षक है, भारत में दिख रहा है कि नए नए सिविलाइजेशन आ रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी जिसको हमने देख लिया, उसके बाद आर्यों का हम बात करेंगे, आर्यंस कौन है, उनका वैदिक सिविलाइजेशन का विकास होता है। अब यहां पर क्या है कि अलग अलग हिस्टोरियंस या इतिहासकार जिनको आप कहते हैं, उनका अलग अलग मत है, दे हैव डिफरेंट ओपिनियंस विद रिगार्ड्स टू दिस सिविलाइजेशन। लेकिन इस वैदिक सिविलाइजेशन का नाम कहां से आया, वेद से आया। वेद कितने हैं, चार। सबसे पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन चार वेदों की बात हो रही है। तो इस सिविलाइजेशन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट जिसमें हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड की बात करेंगे जो कि पहला पीरियड होगा, और दूसरे पार्ट में हम लोग पोस्ट ऋग्वेदिक जो बाद वाले वेदाज हैं उनके समय की बात करेंगे। लेकिन वेदों के अलावा कई और भी ग्रंथ हैं, जैसे अरण्यकाज हैं, उपनिषद हैं, और इन सब में फिलोसॉफिकल बातें की गई हैं। उस दौर के लोगों ने एस्थेटिक्स जो थे उन्होंने आत्मा, सोल, भगवान, गॉड, विश्व, वर्ल्ड, इन सब लोगों के बारे में बातचीत की है। इससे अरण्यकाज, उपनिषद के अलावा यहाँ पे ब्राह्मणाज भी अटैच होते हैं या अलग से ये सेपरेटली सेपरेट वर्क के तौर पर है। तो इस तरह से देखिए तो ब्राह्मण, अरण्यकाज या उपनिषद या तो किसी वेद के पार्ट होंगे, चार वेद जिनका नाम मैंने लिया, यहां लिख दे रहा हूं फिर से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों के या तो ये हिस्सा हैं या तो इससे अलग है। अब इनमें जो लिखा गया है, जो कंपोजिशन की गई है, जो हाइम्स का कंपोजिशन है, वो हिंदू ऋषि मुनियों को क्रेडिट किया जाता है, उनको क्रेडिट दिया जाता है जो भगवान मतलब डिवाइन ओरिजिन के हैं, कि भाई इन मॉन्क्स ने इसको लिखा है, और वेदास को अपौरुषेय और नित्य भी कह सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला चीज ये है कि ऋग्वेद का आयु, एज क्या है, अलग अलग हिस्टोरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्स मुलर उनके हिसाब से 1200 से 1000 बीसी है, आर्बिट्रली इन्होंने एक डेट दे दिया है। विटनी ये बोलते हैं मुलर भाई तुम गलत हो, तुमने आर्बिट्री दिया है, तुम्हारा कोई अनअकेडमिक मेथड है, अनसाइंटिफिक मेथड है, डेट्स गलत दिया है। वहीं तिलक एस्ट्रोनॉमिकल ग्राउंड्स पे कहते हैं कि भाई 6000 बीसी पुराना हो सकता है। आर के मुखर्जी अपने बेस डेटा पे बोलते हैं ये 2500 बीसी के अराउंड में हो सकता है। और अगर जिंद अवेस्ता के लैंग्वेज की ये जो किताब है इसके हिसाब से तो कुछ ओपिनियन है स्कॉलर्स का कि 1000 बीसी के अराउंड का हो सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि इनके एज पे क्वेश्चन है, यहाँ पे जिन आर्यंस की हम लोग चर्चा करेंगे आप देखेंगे कि इन आर्यंस कहाँ से ये आए इस पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क है। कोई बोलता है कि ये सेंट्रल एशिया से आए, कोई बोलता है मतलब मध्य एशिया, कोई बोलता है भाई ये उत्तर पूर्वी प्रदेश से आए, कोई बोलता है सप्त सैंधव प्रदेश से आए। तो अलग अलग हिस्टोरियंस इनको अलग अलग जगह से मानते हैं, लेकिन अब मोस्टली यूनानिमिटी हम लोग मान के चलेंगे कि ये आर्यंस जो कि ऋग्वेदिक पीपल है, ऋग्वेद के समय जब ये ऋग्वेद का बनना चल रहा था उस वक्त जो लोग यहाँ पे हैं वे आर्यंस थे, जिन्हें ऋग्वेद का डिटेल्ड नॉलेज है, उस एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें वो रह रहे हैं उसका नॉलेज है, उन्हें नेम, लोकेशन, पैटर्न्स, जो ज्योग्राफिकल फीचर है जैसे नदी या पहाड़, जो भी ऋग्वेद में है वो बताता है कि भाई ये किस एरिया में ये लोग रह रहे थे। तो मोस्टली अब लोगों का मानना है कि ये जो आर्यंस थे ये मुख्यतः कॉकस एरिया से आए हैं, मतलब कॉकस जो पर्वत या स्टेपी वाला एरियाज है आपके नॉर्दर्न साइड में यूरोपियन, वहां से इनका मूल निवास था, वहां से ये लोग भारत में आए। और ये जो तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं ये नदी सुक्त हाइम में भी ये मेंशन है। इसके अलावा इन्होंने इसमें हिमालयाज की चर्चा की है, इन्होंने मुजावंत की बात की है कि ये सब नॉर्थ में है। तो आप देख सकते हैं जो ज्योग्राफिकल फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि इनको पता है कि नॉर्थ में हमारे पर्वत पहाड़ है। ये समुद्र का भी मेंशन कर रहे हैं, सिंधु नदी का मेंशन कर रहे हैं, सरस्वती नदी का मेंशन कर रहे हैं। देखिए आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इनमें से किन किन नदियों का या पहाड़ की चर्चा ऋग्वेद में की गई है और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ओशियन भी यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी जो ऋग्वेदिक पीरियड का है वो मोस्टली वेस्टर्न यूपी का है। अब जैसे आप अगर याद करें
हम लोग जब आईवीसी कर रहे थे तो जो ज्योग्राफी था वो मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ था और थोड़ा थोड़ा इधर आया था गंगेटिक प्लेन्स में। यहाँ पे आप देखिए तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, होल ऑफ पाकिस्तान और साउथ ऑफ अफगानिस्तान, तो एरियाज बहुत जगह मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस किताब में एक बैटल ऑफ 10 किंग्स का भी मेंशन किया गया है और उस वक्त भारत के लिए जो नाम यूज हो रहा है वो है भारतवर्ष। तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरे पीरियड को हमने बोला कि हम दो भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, ऋग्वेदिक जो 1500 से 1000 बीसी है और जो पोस्ट वैदिक है वो 1000 से 600 बीसी है। इस दो पीरियड में हमने डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये ऋग्वेदिक पीरियड का डिस्कशन कर रहा हूं। ऋग्वेद में आप देखिए क्लासिफिकेशन हो गया है सोसाइटी का बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, लोग क्या काम कर रहे हैं इस आधार पे उनके क्लासिफिकेशन को किया गया है। तो अगर वो पढ़ा रहा है या प्रीस्ट है तो ब्राह्मण, अगर लड़ रहा है, रूलर है, एडमिनिस्ट्रेटर है तो क्षत्रिय, अगर फार्मर है, मर्चेंट है, बैंकर है तो वैश्या, और अगर आर्टिसन या लेबरर है तो शूद्रा। तो ये चार वर्णों की बात यहां पर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंप्लीट मोबिलिटी है, फ्रीडम है, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं क्षत्रिय हूं, मैं रूलर हूं, लेकिन मेरा पुत्र पढ़ाता है, टीचर है, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो हेरिडेटरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना है कि इस वक्त जो ट्रेड ऑक्यूपेशन है ये हेरिडेटरी कैरेक्टर का नहीं है सोसाइटी में टिल नाउ। तो आप समझिए कि अगर उस वक्त के वैदिक सोसाइटी की बात करें तो फैमिली सबसे छोटा यूनिट है सोसाइटी का, फैमिली उसके बाद कहीं भी कुछ और। तो सोसाइटी अगर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा फैमिली है। प्राइमरली मोनोगैमस मतलब एक शादी, मोनो मतलब एक, और पैट्रियार्कल मतलब पितृयात्मक है, मतलब फादर की आर्की है, पिता का रूल चल रहा है। तो इसको याद रखिए। अच्छी बात यह है कि चाइल्ड मैरिज फैशन में नहीं है, चाइल्ड मैरिज की चर्चा नहीं हो रही है। अच्छी बात है कि फ्रीडम है चॉइस का मैरिज में, पर्दा भी प्रैक्टिस नहीं हो रहा है और वीडो भी रीमैरी कर सकती है यंगर भाई से, यंगर ब्रदर से, अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। वाइफ पार्टनर है हस्बैंड की हर रिलीजियस, हर सोशल सेरेमनी में, और फादर का प्रॉपर्टी किसको मिलता है, पुत्र को मिलता है। और डॉटर को कब मिल सकता है, डॉटर कैन इनहेरिट ओनली अगर वो सिर्फ एकमात्र चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स की। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी भी पता है उस दौर में लोगों के पास, जैसे कैटल, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट या इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, हाउस, ये सब राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते थे। तो इससे क्या पता चल रहा है, सबसे पहली बात ये पता चल रही है कि वुमेन का कंडीशन अभी बहुत अच्छा है। वुमेन का यहाँ पे आप आगे चल के भी देखेंगे कि एजुकेशन हो रहा है, आपने देखा स्वेच्छा से शादी कर सकती हैं, मतलब आप चॉइस है आपके पास। हाँ ये जरूर है कि दासी के तौर पे वुमेन को दिया जाता था, या गाय का भी ऋण का वर्णन है, गाय को भी दान के तौर पे वर्णन किया गया है कि गाय भी या दासी के तौर पे वुमेन को भी दिया जा सकता था। वर्ण व्यवस्था की हमने चर्चा कर ली कि वैदिक समाज में ऋग्वेदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी, थोड़े बाद में ही हुई थी लेकिन ऋग्वेदिक समय से ही हो गई थी। और ये जो सब चीजें हैं ये 10वें मंडल में मेंशन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये मेंशन किया गया है इसके बारे में कि वर्ण आश्रम या वर्ण जो डिवीजन है वो आ गया है। एजुकेशन की बात कर रहे थे, देखिए टीचर को बहुत रेस्पेक्ट है, ये आप समझ सकते हैं ब्राह्मणों को, प्रीस्ट या टीचर, तो रेस्पेक्ट शुरू से उनको बहुत ज्यादा है। स्कूल टीचर का होम है और वो वहां पे क्या पढ़ा रहा है, सैक्रेड टेक्स्ट पढ़ा रहा है, मतलब अभी भी फिलोसॉफिकल जो किताबें होंगी उन्हीं चीजों को पढ़ाया जा रहा है। इन टेक्स्ट को पहले इंस्टेंस में जो प्यूपिल है, जो स्टूडेंट है, वो बार बार बोल बोल कर सुनेगा, टीचर बोलते रहेंगे, लोगों को कानों के द्वारा सुनने के लिए मिलेगा और उसको वो बाई हार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस किस लिए दिया जा रहा है, इनन्सिएशन और प्रोनंसिएशन दोनों ही चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है। मेथड ऑफ टीचिंग अभी ओरल ट्रेनिंग चल रहा है, वैदिक लिटरेचर ही मेजर पढ़ाया जा रहा है, और जैसे हमने पिछले ही स्लाइड में बात की कि फीमेल को एजुकेशन दिया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ब्राह्मणाज क्योंकि वही टीचर्स हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उसके अलावा फीमेल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो इन दोनों वर्गों का अभी स्थिति बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर फूड और ड्रिंक की बात करें, क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय का मेंशन किया गया है, मिल्क उसका प्रोडक्ट है, मिल्क के साथ कर्ड,
दही, बटर, घी, इन तमाम चीजों को मेंशन किया गया है कि लोग उस वक्त खाया करते थे। इनफैक्ट मिल्क के साथ ग्रेन्स को, मतलब अनाज को डालकर, जिसको खीर पका मोदनम, मतलब आप समझ सकते हैं, खीर आप लोगों ने अगर खाया होगा तो आप जानते हो पका मोदनम ये नाम दिया गया। वीट और बार्ली की चपाती बनाई जाती थी और उनको घी के साथ खाया जाता था। पीपल उस दौर में चिड़िया का मांस या वाइल्ड एनिमल्स जैसे बोर हो गया, एंटीलोप्स हो गया, बफेलो हो गया, फिश हो गया, इनको भी खाया करते थे। इसके साथ शीप का मीट, गोट का मीट, बफेलो का मीट, ये भी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे किया जाता था और इनको खाया जाता था। जैसे बलि चढ़ाने की बात हो गई, बलि प्रथा की बात हो गई, तो सेरेमनी के जब हो रहा है, कोई ओकेजन है, तो इन जानवरों को मारा जाता था और उसके बाद में इसके मांस को ग्रहण किया जाता था। दे यूज टू ईट द मीट ऑफ दीज पर्टिकुलर एनिमल्स। यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए काऊ को क्या मेंशन किया गया है, अघन्य, दैट मीन्स कि गाय को मारा ना जाए। वेदों में कहा गया है कि अगर कोई गाय को मारता है तो पेनल्टी डेथ है या किंगडम से एक्सपल्शन होगा अगर उसने मारा या इंजर भी कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गाय की महत्ता या गाय का इंपॉर्टेंस दिख रहा है। इसके अलावा सुरा और सोम अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी कंज्यूम होते थे, दो इनके कंजम्पशन को गलत माना जाता था, निषेध किया जाता था। खान पान के साथ यहाँ वस्त्रों के बारे में भी चर्चा की गई है, क्लोथ के बारे में बात किया गया, आभूषण ज्वेलरी के बारे में भी बातचीत किया गया। तो चलिए इनकी इकोनॉमिक लाइफ को भी देख लेते हैं। अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, ट्रेड कॉमर्स, ये मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऋग्वेदिक लोगों के थे। अब एग्रीकल्चर के तौर पर अगर आप देखेंगे आगे चलकर तो जौ का बहुत जगह उल्लेख है। अगर जानवरों, कैटल रियरिंग की बात की जाए तो पीपल ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, गाय का, शिप का, गोट का, एसेस का, डॉग्स का, बफेलो का, और इनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए भी किया जा रहा है, प्लाउइंग एक्टिविटीज, कार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, और हॉर्सेस की भी चर्चा यहाँ पे है कि चैरियट्स, रथ को खींचने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे थे। प्लाव को यूजुअली ऑक्सन ड्रॉ किया करते थे, 6, 8 या इवन 12 ऑक्स लगाए जाते थे और वो उनको घींचते थे प्लाउस को। ग्रेन्स के हार्वेस्टिंग के लिए देखिए सिकल्स का भी इनको जानकारी है और यहाँ पर ये खाद के तौर पे मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फसल हाई यील्ड हो सके। इरिगेशन का भी प्रैक्टिस की बात की जा रही है, अगर ज्यादा रेनफॉल हो गई है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल या ड्रॉट हो जा रहा है तो ये डैमेज कर देता है क्रॉप्स को, और ये भी मेंशन किया गया है। जैसे मैंने पहले ही कहा, ग्रेन्स को कलेक्टिवली याव या धान्य कहा जाता है, जौ। इसके अलावा जो एक्टिविटीज इनको पता थी, पॉटरी मेकिंग, कुम्हार वाली एक्टिविटीज, कारपेंट्री, वीविंग, मेटल वर्किंग, लेदर वर्किंग, ये तमाम चीजें इन लोगों को उस दौर में पता थी। देखिए शुरुआत में जो मेटल इनको पता है वो है आयास नाम का, आयास क्या है, कॉपर है, सीयू। बाद में चलकर इनको लोहित आयास और श्याम आयास, लोहित आयास ये कॉपर को नाम दे रहे हैं और श्याम आयास ये आयरन को नाम दे रहे हैं, तो इनको ये दोनों मेटल्स की जानकारी इस दौर में थी। जो ट्रेड या ट्रेडर्स थे, जो इनको वानिक भी कहा जाता था, ये भी इस दौर में जाने जाते थे। और ये किस प्रकार की इकोनॉमी की बात हो रही है, बार्टर इकोनॉमी, मतलब मेरे पास 5 kg राइस है, तुम्हारे पास 10 kg मान लीजिए वीट है, तो हम लोग इसका बार्टर करेंगे। पैसे की बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, ज्यादा बार्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनी नहीं जानते, यूज ऑफ मनी भी मेंशन्ड है कहीं कहीं, जैसे निष्काज की गिफ्ट दिया गया 100 निष्काज का, मनी लेंडिंग भी हो रहा है। और इनफैक्ट इकोनॉमिक लाइफ में सी की भी बात हो रही है, मतलब दूसरे देशों से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहा था, ट्रेड हो रहा था, और ओशियन वेल्थ में जैसे पर्ल्स है, शेल्स है, इनकी भी चर्चा हो रही थी। तो ये तमाम बातें इनके इकोनॉमिक लाइफ से हैं। आपको याद बस ये रखना है कि इस दौर में ये लोग एनिमल्स का उपयोग कर रहे हैं, इस दौर में ये लोग कैटल रियरिंग के अलावा एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, जौ की खेती कर रहे हैं, ये धान्य क्या है, यव क्या है, इकोनॉमी किस प्रकार की है, मनी के बारे में भी जानते हैं, कौन सा मेटल जानते हैं, तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। अब अगर इनके राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा की जाए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए ऋग्वेदिक इंडिया की, तो ये एक ऑर्डर दिखता है। देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे एक ऑर्डर क्या है, हमने पहले ही कहा ना कि फैमिली सबसे छोटा यूनिट है, जिसको कुल कहे, फैमिली के ऊपर विलेज हो गया ग्राम, फिर क्लैन हो गया विश, पीपल हो गया जन, और कंट्री हो गया राष्ट्र। तो ये जो राजतंत्रात्मक
व्यवस्था यहाँ पे है, वहां पे राजा का निर्वाचन किया जाता था। और राजा का मेन रोल क्या है कि अगर युद्ध हो गया, अगर मान लीजिए बैटल हो रहा है, तो वहां पे बैटल में ये लोगों की रक्षा कर सके। लोगों की रक्षा के लिए एक राजा का चुनाव हो रहा है। यहाँ देवी की आराधना संबंधी आवश्यकताएं भी होती थी, जो भी कुल देवी है तो वो भी राजा परफॉर्म करेगा। इस वक्त जो संस्था है वो बिल्कुल ट्राइबल टाइप का है, सभा है, समिति है, और इन पर राजा का नियंत्रण होता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आप देख लीजिए, महिलाओं की इनमें उपस्थिति थी, महिला शामिल हो सकती थी इन सभा और समितियों में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैदिक पॉलिटिक्स है ये बड़ा ही वेल स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और ये पूरे ऑर्डर में चल रहा है। अगर धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए, कैटेगरीज ऑफ गॉड्स की बात की जाए, तो जो वेदों के समय इन भगवानों को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो टेरेस्ट्रियल है मतलब पृथ्वी से, या तो वो एरियल इंटरमीडिएट मतलब अंतरिक्ष से हैं, या तो वो सेलेस्टियल हैं मतलब द्युस्थान हैं। तो आप देखिए पृथ्वी से कौन है, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। एरियल या इंटरमीडिएट अंतरिक्ष से कौन है, इंद्र, रुद्र, वायु, अपाह दैट इज वाटर। और सेलेस्टियल द्युस्थान कौन है, जो दोनों तरफ वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, आदित्य, उषा, अश्विन्स। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, उषा मतलब फीमेल गॉडेसेस भी हैं, अदिति भी एक नाम आएगा, तो ये फीमेल गॉडेसेस भी यहां है। सबसे बड़ा गॉड कौन है, इंद्र या वरुण, सुप्रीम कॉस्मिक एंड मोरल रूलर, ये सबसे ऑर्डर में प्री एमिनेंट है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट में अग्नि और सोम भी बहुत इंपॉर्टेंट या पॉपुलर डिटी है। अग्नि तो मैसेंजर है अर्थ और हेवन के बीच में। अग्नि एकमात्र ऐसे गॉड है जो हर कैटेगरी ऑफ गॉड में मतलब टेरेस्ट्रियल में भी, एरियल में भी, सेलेस्टियल में भी, हर जगह ये बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भगवानों की चर्चा हो रही है वो दिखाया जा रहा है कि वो अभी बॉर्न हो रहे हैं, मतलब वो इमोर्टल मतलब अजय नहीं है, मर सकते हैं। और अपियरेंस में भी अधिकतर समय वो ह्यूमन के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, कभी कभार एनिमल्स के तौर पर भी दिखा दिए जाते हैं, जैसे दयाउज ये बुल है, सन को एक घोड़े के तौर पर दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बलि दी जा रही है, सेक्रीफाइस गॉड को दिया जा रहा है, मिल्क का, ग्रेन का, फ्लैश का, और ये कभी कभार भगवान का फूड चढ़ावा के तौर पे देखा जा रहा है। गॉड्स यूजुअली काइंड है, बेनोवेलेंट है, लेकिन कभी कभी उनमें अनकाइंड ट्रेट्स भी आ जा सकता है, जैसे रुद्र या मरुत जैसे भगवान। स्प्लेंडर नॉलेज है, पोजिशन है, ट्रूथ है, ये सारे डेटीज का एट्रीब्यूट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र, ये पायस हिंदू अभी भी यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको पता कीजिए ये किस उपनिषद में है, इसको याद रखना है हम लोगों को, ये पूछ सकता है हमसे। तो याद रखिए ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स है क्योंकि अलग अलग भगवान को अलग अलग डेजिग्नेशन इस वक्त दिया गया है। अब पोस्ट वैदिक, जो हम लोगों ने बोला कि वैदिक पीरियड को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ऋग्वैदिक और पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक। अब यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किंगशिप हेरिडिटरी होने लगी है। अब ये जो राजा का पुत्र राजा बनेगा, ये राजनीतिक व्यवस्था अब की होने लगी, और इसको याद रखना है कि वंशानुगत हो गया, जो कबायली संस्था थे इनका महत्व कम होने लगा है, क्योंकि अब ज्यादा महत्व किसका होने लगा, राजा का। इसके अलावा जो सभा समिति जिनकी हमने चर्चा की, उनमें अब महिलाओं का प्रवेश निषेध हो गया, बंद कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्सेशन जो है, कर व्यवस्था, उसको नियमित कर दी गई है। क्यों? क्योंकि राजा को सपोर्ट करना है, एक राजपाट चलाना है। नए तौर तरीके शुरू हुए, जैसे अश्वमेध, घोड़ा छोड़ दीजिए, जहां जहां जा रहा है वो तमाम इलाके आपके हो गए। तो पहली बार राष्ट्र का शब्द का प्रयोग किया गया, और जन से जनपद बनने की प्रक्रिया अब यहां से शुरू हो गई है। तो पोस्ट वैदिक बेसिकली 1000 BC से 600 BC हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये उसका एरा है। पोस्ट बेसिक में आप देख सकते हैं पोस्ट वैदिक में कि पैट्रियार्कल सिस्टम और मजबूत बन गया, गोत्रा सिस्टम भी आ गया है, और वर्ण सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। अब हेरिडिटरी हो गया, पिछली बार क्या था, मैं राजा हूं, मेरा पुत्र अगर टीचर है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, मैं क्षत्रिय रह जाऊंगा, मूवमेंट हुआ करता था। अब ये चीज एकदम फिक्स हो गया कि मूवमेंट नहीं होगी। गोत्र व्यवस्था का स्थापत्य हो गया, और पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी, पैट्रियार्कल जो ऑर्डर था, वो और भी स्ट्रांग हो गया। और इससे कारण क्या हो रहा है, महिलाओं की स्थिति लगातार और कमजोर होते जा रही है, जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जा रहे हैं। आश्रम व्यवस्था को भी यहाँ पे वर्गीकृत कर दिया गया। गॉड्स में फिर से फीमेल गॉडेसेस की बात हो रही है, नए भगवान आने लगे, जैसे प्रजापति जिन्हें कहेंगे विश्व के संरचनकर्ता।
तो ये नए भगवान आ रहे हैं, इनको अब सबसे ज्यादा संरचना यही कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महत्व भी इनको मिल रहा है। वहीं पे फीमेल गॉडेसेस जो थे जिनकी चर्चा हमने पहले की, उनके महत्व में गिरावट आई है और इनके जगह पे अब बातचीत हो रही है अप्सराओं की, यक्षिणियों की, तो इन्होंने इनका जगह ले लिया है। पशुओं की बलि की भी प्रथा जो है वो और बढ़ गई पोस्ट वैदिक एरा में। अब आखिरी में इसमें कभी कभार हमारे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई इस शब्द का मतलब क्या है, तो जैसे यहीं पे बता देते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन के वक्त अगर कभी आपसे बोले कि गृह पति का मतलब क्या है, तो गृह का मतलब हो गया घर, पति मतलब प्रधान, तो घर का जो प्रधान है वो हो गया गृहपति। अगर कभी पूछ दे अर्घ, तो वर वधु को सम्मिलित रूप से, ये इसका मतलब हो गया। अगर पूछ दे गविष्ठी, तो आप समझ सकते हैं ये गाय से जुड़ा हुआ है, मतलब गाय के लिए अगर युद्ध किया जाए, जैसे महाभारत में गायों के लिए युद्ध हुआ तो उसको गाय की खोज, ये सब गविष्ठी कहलाया। अगर वर्ड है स्पशह, तो ये हो गया राजा का गुप्तचर, मतलब जो स्पाई होगा। नीवी, अगर ये शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये निचले हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र को इंगित करता है, मतलब जो सेकंड जो टॉर्सो के नीचे वाला पार्ट है उस पे जो वस्त्र पहना जा रहा है उसको नीवी कहते हैं। वहीं पे अगर अधिवास, ऊपर के भाग में ढकने के लिए जो वस्त्रों का उपयोग होता है उसको अधिवास कहते हैं। तो इन शब्दों को याद रखिए, ये तमाम शब्द जो है ये आपके इस्तेमाल हो रहे हैं वैदिक एरा में। जैसे मैंने पहले कहा ऋग्वेदिक के बाद पोस्ट वैदिक में अश्वमेध यज्ञ तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह मान लीजिए कभी बोल दे कि वाजपेय यज्ञ क्या था, तो अब ये यज्ञ या तो क्षत्रिय या ब्राह्मण करा रहा है जिसमें रथों का दौर होता था और जो भी जीते यज्ञ करता विजयी होता था। इसके अलावा महिषी, इस शब्द का मतलब हो गया पटरानी, तो ये सब शब्द बाद में उपयोग होने लगे पोस्ट वैदिक में। तो हमारे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल या इनका अर्थ क्या है। एक और सवाल जो हमसे कभी कभार पूछ सकता है कि कुछ कुछ शब्दों का उपयोग बहुत बार हुआ, जैसे ऋग्वेद में अगर गाय शब्द का सबसे ज्यादा मतलब 176 बार प्रयोग किया गया है, अगर पशुओं में देखा जाए, अगर भगवान में देखा जाए, तो देवों में देखा जाए तो इंद्र की चर्चा 250 बार है, अग्नि की चर्चा 200 बार है, तो ये कभी कभार पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा चर्चा किसकी गई। जैसे समिति की चर्चा 9 बार है, सभा की चर्चा 8 बार है, विदत्त जो कबाइली संस्थाएं ये सब है, विदत्त की चर्चा 122 बार है, तो ये कभी कभार ऐसा पूछ सकता है, तो इसको याद रखें। वैदिक सिविलाइजेशन में इससे ज्यादा की जानकारी हम लोगों को हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं चाहिए, इसको याद रखें, इतना ही काफी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।